अगला सवाल सब कि क्या रोजे की हालत में बीवी से फोन पर या बरायास इस दिवाली ताल्लुकात की बातें रोमांटिक रोमांस वगैरह इस तरह की बातें करना जायज़ है? सर में देख लिया जाए कि इंसान जो है वो हवाले सलातो वसलाम ने मियाँ बीवी को और हम रोज़े की हालत में बोसा देने और इसी तरह मियाँ बीवी अगर बोसा लेते हैं एक दूसरे का तो इसमें ये कहा है कि भाई अगर कोई बूढ़ा आदमी है अपने आप पर कंट्रोल रखेगा तो ले सकता है, कोई जवान आदमी आगे बढ़ने का खदशा होता है तो उसको रोक दिया जाता है, सद्दा निलबाप कैसा ना हो आगे बढ़ जाए और रोज़ा ही टूट जाए। तो इसलिए इसके अंदर भी जो है यही तफसील बताई जारी होगी कि अगर कोई इसकी वजह से आगे बढ़ने का किसी का अंदेशा है तो फिर तो रुकना चाहिए और ना कर सकता है, लेकिन बेहतर ये कि ना करें क्योंकि पता नहीं चलता कि आगे होगा क्या। इंसान नहीं समझता है लेकिन शैतान किसी भी वक्त भी हावी हो जाता है, क्योंकि ये तो नहीं लिखा हुआ कि रमज़ान का रोज़ा है, रमज़ान में शैतान बंद होता है, आम दिनों में तो नहीं होता। जी।